दोस्तों मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है और मैं अपने YT स्टूडियो में हूं। ये मेरा जो चैनल है वो ब्लॉग का है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ओपन किया है और इस पर आप देख सकते हैं 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज जो दिखा दूं जिसको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर, जो आप लोग बोलते हैं कि मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल नहीं जा रहा है, तो आज के बाद आपका ये जो दिक्कत है वो खत्म होने वाला है। किस तरीके से सारा कुछ बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, सबसे मोस्ट पॉपुलर, वो मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग है जो मैंने 11 दिन पहले डाला था और इस पर 55,000 व्यूज आ चुके हैं। इसी से मुझे जो सब्सक्राइबर मिले हैं वो इसी से मिले हैं, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 300 सब्सक्राइबर थे। इसके बाद 2000 सब्सक्राइबर सिर्फ इसी वीडियो की बदौलत हुए हैं और धीरे धीरे और भी वीडियो की वजह से हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि मेरे भले ही 2000 सब्सक्राइबर हैं लेकिन पहले वीडियो पर 9.4 के देख सकते हैं 9,500 व्यू, दूसरे पर लगभग 4,000 व्यू, माय फर्स्ट ब्लॉग मेरा वायरल गया है 55,000 व्यू, उसके बाद माय सेकंड ब्लॉग पर लगभग 4,000 व्यू, इसके बाद माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल ट्रिक इस पर 7,000 व्यू, फिर से मैंने एक माय फर्स्ट ब्लॉग ऐसे ही बनाकर शूट करके डाल दिया था, उस पर भी 8,500 व्यूज जा चुके हैं लेकिन सब्सक्राइबर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2000। तो मैं आपको बता दूं, आपका किसी भी टाइप के कैटेगरी का चैनल है, चाहे आप माय फर्स्ट ब्लॉग बनाते हैं फिर कुछ भी, आपका वीडियो तभी वायरल जाता है जब आपका वीडियो उन ऑडियंस के पास पहुंचे जो ऑडियंस आपके वीडियो को देखना पसंद करती हैं। अब आपका माय फर्स्ट ब्लॉग कैसे वायरल जाता है, स्टार्टिंग में कोई भी हो, कोई भी माय फर्स्ट ब्लॉग डालता हो, चाहे आप जो भी देखते हैं, जो सबसे ज्यादा वायरल जैसे गया बबलू बन्ना ब्लॉग, तो क्या किया यूट्यूब, नया चैनल बनाया, वो डाल दिए अपना, चार वीडियो डाल दिए, तो यूट्यूब 10 लोगों के पास पहले भेजता है। अब उन 10 लोगों में से कितने लोगों ने देखा, कितना टाइम तक देखा, ये मैटर करता है। इसके बाद यूट्यूब 10 से 100 लोगों के पास भेजता है, फिर 100 लोगों ने कितना टाइम देखा और कितने लोगों ने देखा, इससे उठाकर 1,000, 1,00,000, 10,00,000, इस तरीके से वो भेजता जाता है आगे। लेकिन ये मैटर करता है कि जिनके पास भेजा है वो देखे आपका वीडियो, कितनी देर देखे, ये मैटर करता है। तो ये कैसे होता है, अब मान के चलिए मैं ब्लॉग वीडियो डाल दिया, मेरा वीडियो ऐसे लोग के पास चला गया जो टेक का वीडियो देखते हैं, तो क्या वो मेरा ब्लॉग वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो इससे यूट्यूब को लगेगा कि भैया इसके वीडियो में दम नहीं है, आपका वही माई फर्स्ट ब्लॉग हो, कुछ भी हो, वहीं पर रुक जाएगा वीडियो, वायरल नहीं जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर कैसे मेरा वीडियो सही ऑडियंस के पास पहुंचे, यानी जो मेरा मतलब अगर मैं ब्लॉग वीडियो डाल रहा हूं तो उन लोगों के पास कैसे पहुंचे जो ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो भैया वो होता है चैनल कीवर्ड्स की वजह के, कि चैनल कीवर्ड्स से, जो आपने अपने चैनल के अंदर कीवर्ड्स डाल रखे हैं कि हां ये 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 कीवर्ड्स हैं, इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलता है कि आपका जो वीडियो है, आप जो का जो आपका जो चैनल है उस पर जो आप वीडियो डाल रहे हैं वो इस टाइप के कैटेगरी का है। तो ये सबसे जरूरी है कि चैनल पर सही कीवर्ड डालना, तभी आपका अगर ब्लॉग का चैनल है तो भैया आपका ब्लॉग का वीडियो उन लोगों के पास पहुंचेगा जो ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि चैनल कीवर्ड की वजह से ही बहुत सारे चैनल्स ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो ब्लॉग अपना जैसे माय फर्स्ट ब्लॉग बना के डाल दिए, अब आप लोग बोलते हैं कि मेरा वीडियो वायरल ही नहीं गया। हो सकता है आप माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो डाल दिए लेकिन आपका ब्लॉग वीडियो स्टार्टिंग में जो 10 लोगों के पास यूट्यूब ने भेजा वैसे लोगों को पास भेजा हो जो टेक का वीडियो देखते हैं, जो गेमिंग का वीडियो देखते हैं, ब्लॉग उन्हें पसंद ही ना हो। तो वो होता है कि आपने अपने चैनल के अंदर सही कीवर्ड नहीं डाल रखा है। अब मैं आज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने अपने इस ब्लॉग चैनल पर कौन कौन से चैनल कीवर्ड डाले हैं, आपको भी एक एक कीवर्ड बताऊंगा, आपको भी तुरंत आज डाल लेना है जिससे आप जो भी वीडियो अपलोड करें अपने ब्लॉग चैनल पर तुरंत वो उन्हीं के पास जाए जो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। इससे क्या होगा कि भैया आपका अगर कंटेंट अच्छा है तो जो अभी तक आपका माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल नहीं गया वो आज जाएगा। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि कौन कौन से चैनल कीवर्ड डालने हैं, आप लोग भी बोलते थे कि मुझे ये वीडियो चाहिए, तो चलिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। उसके पहले मैंने आपको इसीलिए YT स्टूडियो ओपन करके दिखाया जिससे आपको चीजें समझ में आए कि चैनल कीवर्ड आखिर आपके लिए क्या करता है, कैसे आपके वीडियो को वायरल करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको उस चैनल जो कीवर्ड्स है उसको दिखा देता हूं। उसके पहले अगर अभी तक इस चैनल पर आप लोग नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो देर मत करिएगा, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा दमदार यूनिक कंटेंट मिलते ही रहेंगे। तो चलिए मैं अपना YT स्टूडियो ओपन करके क्रोम में आपको चैनल कीवर्ड दिखा देता हूं। तो मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, कैसे आपको चैनल कीवर्ड के अंदर जाना है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं यहां पर जाऊंगा, मैं सर्च करूंगा क्या स्टूडियो
आप देख सकते हैं studio.youtube.com, आपको ये सिंपली सर्च कर लेना है अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। मैं मोबाइल फोन से ही आपको दिखा रहा हूं, क्रोम ब्राउजर के अंदर आपके सामने ऐसा खुल कर आएगा। तो आपको यहां पर 3 डॉट पर जाना है, यहां पर डेस्कटॉप साइड आपको कर लेना है क्लिक। इससे क्या होगा कि आपका डेस्कटॉप साइड में आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। और मैंने अपना पहले से चैनल लॉगिन वगैरह कर लिया है, तो मेरा चैनल कौन सा है, यही है द संजू ब्लॉग्स वाला, जो कि मेरा ब्लॉग का चैनल है। तो अगर अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो भैया इस पर भी जुड़ जाइएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अपने ब्लॉग चैनल का। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि चैनल कीवर्ड्स कहां पर मिलता है। तो चैनल कीवर्ड के लिए आपको यहां जो सेटिंग वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको चैनल्स में चले जाना है। चैनल में अब आपको देख सकते हैं, आपको यहां पर दिख जाएगा आपके चैनल का कीवर्ड जो कि मैंने डाल रखा है। अब आपको एक एक चीजें मैं जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको ओपन कर लेना है। तुरंत आप ओपन कर लीजिए अपने क्रोम ब्राउजर में अपना भी चैनल, और जो जो मैं कीवर्ड बता रहा हूं तुरंत डालते चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आपको भी ब्लॉग चैनल पर अपना माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल करके जल्दी से ग्रो करना है 2 से 4 दिन के अंदर, जैसे सभी लोग किए भी हैं, तो मैं आपको बता दूं आपको कहां जाना है। चैनल के अंदर, चैनल में आपने मैंने ओपन कर लिया है, ऐसे ही आपको ओपन करना है जो मैंने आपको बताया। आपको कंट्री रेजिडेंस इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कंट्री ही नहीं सिलेक्ट करे हैं, पता चला वो डाल रहे हैं हिंदी वीडियो, हिंदी का वीडियो, और वो कंट्री पता लगा जा रहा है ऐसे जगह पर जहां पर भैया इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो आपके व्यूज ही नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि सर मेरे वीडियोस फॉरेन कंट्री में भेज दिए जाते हैं जिससे मेरे व्यूज नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पर अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया सेलेक्ट करना है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं जिससे आपको आसानी हो देखने में, तो मैं यहां पर इसको जूम कर लेता हूं। कंट्री रेजिडेंस आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, चैनल कीवर्ड्स के अंदर आपको फर्स्ट अपने चैनल का नाम डालना है, जो आपके चैनल का नाम है वो आपको डाल देना है। चैनल का आपको नाम डाल देना है, जो आपका नाम है, जैसे मेरा द संजू ब्लॉग्स, तो मैंने डाल दिया द संजू ब्लॉग्स। अब आपको अपने चैनल के नाम में जो अलग अलग चैनल है उसको आपको डाल लेना है, जैसे चैनल के नाम में अलग अलग कीवर्ड्स हैं वो आपको डाल लेना है। अब ये स्टार्टिंग में क्यों करना है, जिससे आपका चैनल सर्च में आए, क्योंकि इसी वजह से आपका चैनल भी सर्च में नहीं आता। तो पहले आप ये डाल लीजिए, इसके बाद मैं ब्लॉग चैनल से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स बता रहा हूं जो कि आपको दिख भी रहा होगा। तो जैसे मैंने द संजू ब्लॉग्स डाल लिया, इसके बाद संजू ब्लॉग्स डाल लिया क्योंकि कोई ये भी सर्च कर सकता है। इसके बाद मैंने जो वर्ड है उसको आगे पीछे कर लिया, ब्लॉग संजू डाल दिया। इसके बाद द संजू ब्लॉग्स फिर से मैंने डाल दिया, बस मैंने लेटर्स को चेंज कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, अपना जो मेरा चैनल है टेक का वो मैंने डाल दिया नाम, टिकटॉक भी संजू, क्योंकि अगर वो भी कोई सर्च करे तो मेरा ब्लॉग चैनल का सजेशन में दिखने लगे कि हाँ भैया इनका ब्लॉग भी चैनल है। तो ये मैंने डाल लिया अपने पहले चैनल से कीवर्ड, यानी जो आपके चैनल का नाम है ऐसे बदल बदल कर आपको डालना है। जैसे जो भी आपका नाम है पहले सेम वो डाल देना है, फिर अपना क्या करना है वर्ड आगे और पीछे करके ऐसे बदल बदल के आपको 5-6 कीवर्ड्स आपको यहां पर 5-6 कीवर्ड्स का बनाकर टैग आपको यहां पर डाल देना है, जो कि मैंने डाल रखा है। अब आपको यहां पर क्या करना है, मैंने सब ब्लॉग संजीव द संजीव ब्लॉग्स ये करके पूरा अपना डाल दिया, और मेरे जो चैनल के नाम में है वो भी ब्लॉग्स है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा आसानी हो जाता है समझने में भैया जो YouTube का एल्गो है कि हाँ ये ब्लॉग का ही चैनल है। अब मैं आपको दिखा दूं अब आपको मेन क्या डालना है। आपको अपने चैनल से रिलेटेड ऐसे बदल बदल कर द संजीव ब्लॉग्स चैनल आप जैसे देख सकते हैं ऐसे ऐसे बदल कर आपको अपने भी चैनल का डाल लेना है। अब मेन आपको कीवर्ड्स बताता हूं, आप देख सकते हैं मेन कीवर्ड क्या है, ब्लॉग वीडियो। आपको ये अपने चैनल के अंदर डाल लेना है ब्लॉग वीडियो, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम है एक मशीन है, कोई इंसान नहीं है, उसे समझ में तो आना चाहिए कि आपका कंटेंट किससे रिलेटेड है, आप जो इस चैनल पर कंटेंट डालते हैं वो किससे रिलेटेड है। तो मैंने क्या डाला, ब्लॉग वीडियो, फिर मैंने क्या डाला, ब्लॉग्स डाला, फिर मैंने डाला लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, फिर मैंने क्या डाला विलेज ब्लॉग वीडियो, क्योंकि भैया मेरे विलेज से रिलेटेड ब्लॉग आएंगे तो मैं विलेज ब्लॉग वीडियो डाल दिया। इसके बाद मैंने विलेज ब्लॉग्स डाल दिया क्योंकि ये भी लोग सर्च करते हैं, यानी जो लोग सर्च करते हैं वो आपको डालना है और आपके कंटेंट से रिलेटेड हो, ये नहीं कि आप डाल दिए अमेरिकन ब्लॉग वीडियो, क्योंकि आप अमेरिका का ब्लॉग वीडियो तो देंगे नहीं। तो मैं वही चीज डाल रहा हूं जो मैं दूंगा, और आप लोग भी यही विलेज से रिलेटेड डालेंगे। अगर आप सिटी के हैं तो आप सिटी ब्लॉग्स डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं कीवर्ड। इसके बाद मैंने क्या डाला, लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, फिर मैंने डाला लाइफ स्टाइल ब्लॉग वीडियो, फिर मैंने क्या डाला देसी ब्लॉग वीडियो, यानी गांव से रिलेटेड जो ब्लॉग होते हैं उन्हें देसी ब्लॉग भी बोलते हैं, तो देसी ब्लॉग वीडियो। इसके बाद मैंने डाला वीडियो ब्लॉग्स, यानी कि ये मेन मेन कीवर्ड्स हैं। इससे क्या होगा, आप जब अपने चैनल के अंदर ये डालेंगे तो YouTube का जो एल्गो है वो आपके चैनल की थीम सेलेक्ट कर लेता है कि इसका जो चैनल है इसने अपने चैनल के अंदर ये कीवर्ड्स डाले हैं, इसका मतलब है कि इसका चैनल ब्लॉग से रिलेटेड है। अब आपका और किसी कैटेगरी से है तो उसका अलग होता है कीवर्ड, जैसे मैंने टेक के लिए अभी बता रखा है, अगर नहीं बताया तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आप लोग अगर बोलेंगे तो। ये मैं ब्लॉग के लिए बता रहा हूं, तो आप अगर ये सब कीवर्ड्स डालेंगे तो YouTube के एल्गो को ये समझ में आ जाएगा कि आपका चैनल
क्या है, आपका चैनल ब्लॉग से रिलेटेड है, तो आप जो भी वीडियो डालेंगे वो भले ही 10 लोगों के पास भेजेगा, ऐसे लोग के पास भेजेगा जो ब्लॉग वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्टेंट अच्छा रहा तो 10 में 4 लोग 5 लोग देख लिए, इतना बहुत होता है। यानी आपका भैया CTR 50% हो गया, 40% हो गया, और 40-50 नहीं 20% है, 15% है, वही सफिशियंट है। तो क्या करेगा यूट्यूब, 10 को भेजा तो फिर 100 को भेज देगा, वहां पर भी आपका 20-25% CTR है तो 1000 को भेज देगा, वहां पर भी अगर 20-25% लोगों ने क्लिक किया तो 100,000 लोगों के पास भेज देगा। तो इस तरीके से ही कोई भी वीडियो वायरल होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जिस टाइप का वीडियो डालते हैं उसी टाइप के लोगों के पास भेजा जाए, और वो कब भेजा जाएगा, जब आप ये सारे कीवर्ड्स अपने ब्लॉग वीडियो में डालते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा माय फर्स्ट ब्लॉग बना लिया लेकिन मेरा वायरल नहीं गया, 10 व्यू गए, 2 व्यू गए, 4 व्यू गए, इसके बाद रुक गया, मैं बहुत सारे वीडियोस बना दिया माय फर्स्ट ब्लॉग का लेकिन वायरल नहीं गया, जो आप बताए वो सारा कुछ मैंने करके देख लिया लेकिन वायरल नहीं गया, तो उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये भी होगी, आप लोगों ने ये सारे जो मैंने कीवर्ड्स बताए वो आपने अपने चैनल कीवर्ड्स के अंदर डाल रखे हैं या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हमेशा सबसे दमदार कॉन्टेंट मिलते ही रहेंगे। साथ ही अगर अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।